Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body Platform powered by Abhimanyu IAS. आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ESIC के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से टिपिकल लेवल के हैं. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज हम लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और एनालाइज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी करेंगे थ्रू दिस सेशन. अंडरस्टैंड? सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर वन. बट बिफोर दैट we have a free interview preparation program for UPSC EPFO students. So jitne bhi students hain EPFO ke unke liye obviously yes. Aur dusra hai CAPF assistant commandant students. ab dekhiye pure initiative ke andar aap it is a free initiative as we already have written. it is a free initiative number one. is free initiative ke andar aapko do cheeze sabse vital cheez jo hoti hai na preparation ke liye वो दो चीजें आपको मिलेंगी. पहली चीज तो मिलेगी आपको ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू सेशन होगा आपका. दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको डैफ की पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक. जो डैफ होता है उसका पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक हम लोग आपके लिए बना के आपको भेज देंगे. राइट? सो ये प्रोसेस के अंदर आपको ये चीज मिलेगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव है. और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभीपीडिया के पोर्टल में जाके ईपीएफओ के अंदर अगर हैं तो ईपीएफओ का आप अपलोड कर दीजिए अपना डैफ. अगर सीएपीएफ के स्टूडेंट्स हैं तो सीएपीएफ में अपना अपलोड कर दीजिए डैफ. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे. ठीक है, चलिए और लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर वन. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे इस सेशन का वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. Assertion क्या कहता है, कहता है द खिलाफत मूवमेंट डिड ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम्स इनटू द फोल्ड ऑफ नेशनल मूवमेंट. ठीक है, रीजन क्या है, देयर वॉज अ प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म इन बोथ द नेशनल एंड खिलाफत मूवमेंट. आपने बताने दोनों सही है, मतलब ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने सही बताना है. ठीक है, सो यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज अ टफ क्वेश्चन, टफ की कैटेगरी का है ये क्वेश्चन. ठीक है, सो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स देते हैं आंसर. खिलाफत मूवमेंट जो है वो अर्बन मुस्लिम्स जो थे, अर्बन मुस्लिम्स मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग जो थे मुसलमानों में, उनको जो है वो नेशनल मूवमेंट के अंदर लेकर आया था खिलाफत मूवमेंट जो है उसने ये काम किया था. रीजन बिकॉज देर वॉज अ प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट काफी एंटी हो रखे थे मुसलमान. ठीक है, इन बोथ द नेशनल एंड खिलाफत मूवमेंट. ठीक है, आंसर दीजिए. इट इज अ टफ क्वेश्चन बट आप आंसर दे सकते हो अगर थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है. राइट? उस टाइम पर तो गांधी ने कमान संभाल ली थी और गांधी आपको पता है एक तरीके से यूनिटी फादर ऑफ, जैसे कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की पूरी कोशिश की उन्होंने. तो आप बताएंगे क्या है इसका आंसर. देखिए इसका आंसर है, इसका आंसर आपको मिलेगा ए ऑप्शन. ए ऑप्शन इसीलिए क्योंकि यस, अर्बन मुस्लिम्स जो थे, जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, उनको जब दिख रहा था कि ऑटोमन के साथ किस तरीके से गलत व्यवहार हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उनको रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने जो है काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया खिलाफत मूवमेंट. ठीक है, और उसी टाइम पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी मिल गया था. तो प्रीडोमिनेंट एंटी इंपीरियलिज्म, क्योंकि ये इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी, मतलब ये जो एक जगह के ऊपर अपना वो करना, अपना जो है राज करना, ये इंपीरियलिज्म जो था, ये इंपेरियलिज्म की वजह से ही तो मुसलमान जो थे इंडिया के गुस्से में थे कि ऑटोमन जो एम्पायर है उसमें जो हमारे जो यू नो रिलीजियस लीडर हैं उनको हटा दिया और अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है टर्की के अंदर. सो बोथ नेशनल मूवमेंट, दिस वाज द प्रीडोमिनेंट फैक्टर. अंडरस्टैंड? सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट? चलो दूसरा सवाल देखते हैं. पहला सवाल तो ठीक है, consider the following statements, select the correct answer from the quotes given below. assertion dekhte hain, dekhiye lord linlithgow described the august movement of 1942 as the most serious rebellion since sepoy mutiny. there was massive upsurge of peasantry in certain areas.
सो लॉर्ड लिनलिथगो गो है, उन्होंने ऑगस्ट मूवमेंट को, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टफ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारी बेसिक बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लिनलिथगो ने ऑगस्ट मूवमेंट, जो कि आपको पता है 1942 की ऑगस्ट क्रांति, अगस्त क्रांति जो है उसको मोस्ट सीरियस रेबेल कहा था, सिंस सिपॉय म्यूटिनी कहा था कि नहीं आप बताएंगे, और काफ़ी ज़्यादा पीजेंट्स का भी कुछ एरियाज में, सर्टेन एरियाज में मैसिव अपसर्ज देखा गया था उस टाइम पे। सो आंसर दीजिएगा, क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ठीक है, सो देखिए assertion है, रीजनिंग है, एब्सोल्यूटली करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। जैसे कि आपको बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको पीजेंस का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और इनफैक्ट पीजेंस ने जब पार्टिसिपेट किया तो उससे काफी ज्यादा वॉयलेंट मूवमेंट हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके अलावा ये पीजन के पास पार्टिसिपेशन को देखते हुए अब जो फोर्सेस थी उनको बड़ा मुश्किल आ रहा था इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना। सो अल्टीमेटली दिस फोर्स द लिनलिथगो वॉइसराय थे, उन्होंने बोल दिया कि भैया ये जो QIM है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से झंडा लहराया गया एज द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपॉय म्यूटनी, तो इस तरीके से उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट प्रोविंसेस, है ना, उसके बाद फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, बताइए कौन कौन से थे जो यहां पे बताए गए थे। इट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। एक चीज याद रखिए, पहले भी बता चुका हूं, जितने भी एक्ट्स हैं उन एक्ट्स को आप पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे तो दो सवाल पक्के आते हैं यहां पे, यहां से हर बुक, हर एग्जाम के अंदर। अगर थोड़ा सा सिविल थोड़ा हायर लेवल है उसका, जैसे ESICDD है, इसमें मॉडरेट टू टफ लेवल वो सवाल पूछेंगे इन एक्ट से, तो एक्ट्स में सिर्फ वो दो तीन लाइनें पढ़ के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रीड इन डिटेल रिलेटेड टू दीज एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। सो आप बताएंगे इसका क्या आंसर आपको लगता है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली फर्स्ट इज करेक्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी इसी में ही बोला गया था, डी आपका सही आंसर है, ठीक है, डी क्या है, सही आंसर है। हमें पता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसीलिए दी गई क्योंकि प्रोविंसेस में पहले क्या था, डायरकी था, डायरकी था, जिस डायरकी की वजह से कहा जा रहा था कि इसी डायरकी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में और जो प्रोविंसेस है और पिछड़ते जा रहे हैं, सो इट इज बेटर टू डायरकी को खत्म कर दो, डायरकी को कहां पे ले आओ, सेंटर में लेकर आ जाओ, डायरकी को सेंटर में लेकर आ जाओ, यहां पे खत्म कर दो और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दो, राइट। चलो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट जो है, नेक्स्ट इज ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, सो ये भी आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, इन द पूना एक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज वर मेड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट इट ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मॉडरेट, आज इजी सवाल नहीं है, आज मॉडरेट टू टफ सवाल है, जिसके भी बच्चों के 60% सवाल सही हो रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल के आंसर दे रहे हैं उनका जो होगा
दे आर गुड इन देयर प्रिपरेशन, दे आर गुड इन प्रिपरेशन 60% जिसके भी सवाल होंगे ठीक, ठीक है। सो आप इस सवाल को एक बार दोबारा से पढ़िए एंड आंसर कीजिएगा, क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ देखिए, इन द फर्स्ट राउंड आरटीसी, यस डिप्रेस क्लासेस में इन्होंने डिमांड किया था, इन्होंने तीनों टाइम डिमांड किया था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, राइट। इसके अलावा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि पूना एक्ट या पूना एक्ट लिखा है, इट नीड्स टू बी पूना पैक्ट, ठीक है। तो पूना पैक्ट जो है उसमें भैया प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, है ना। वो तो एक समझौता था, कॉन्ट्राडिक्शन दो पार्टीज के बीच में समझौता था। तो बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या लोकल बॉडी सिविल सर्विसेज ऐसा कुछ नहीं था, है ना, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का सिविल सर्विसेज से लेना देना नहीं है कि हाँ इनको इधर भी रिप्रेजेंटेशन दिखनी चाहिए। एंड INC डिड नॉट टेक पार्ट इन द RTC, यस डिड नॉट टेक पार्ट इन थर्ड RTC, राइट। सो अगर तीसरा गलत है, अगर दूसरा गलत है, अच्छा सॉरी, देखो INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया था थर्ड RTC में, एब्सोल्यूटली करेक्ट, नहीं किया था। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, आपका आ गया 1 और 3, ये तीन जो है वो आपके तीन सही होंगे। इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अम्बेडकर डिमांडेड फॉर द सेपरेट इलेक्शन फॉर द डिप्रेस क्लासेस, INC डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, ठीक है। सो कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है। क्रिप्स से क्रिस्पी होता है, क्रिस्पी आई थिंक ऐसा ही होता है ना, जब चिप्स बहुत क्रिस्पी होती है तो टूट जाती है बहुत फटाफट। तो क्रिप्स मिशन के अंदर भी ना कुछ ऐसा ही कुछ था, तोड़ने वाला था, है ना। आप इसके क्लॉजेस पढ़ेंगे तो उसमें सीधा दिखेगा, कुछ पार्टीशन की आपको चीजें दिखती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कंसिस्टेड सोली ऑफ वाइट्स, दिस इज ऑल्सो मॉडरेट क्वेश्चन, वैसे सिंपल है बट इसमें बस स्टेटमेंट्स जो फ्रेम की गई हैं उनकी जो इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है, आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। हाँ जी बताइए, राइट। सो इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ही सही है कि कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था। ऑब्वियसली कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ बहुत अच्छा मिलने की कोशिश सोच में थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, 1942 का टाइम था, और ऑब्वियसली कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें क्या चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वी डू नॉट वॉन्ट कि हाँ कुछ ऐसा पार्शल इंडिपेंडेंस आज़ादी दे दो, ऐसा हमें नहीं चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस दे दो, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रिस्प मिशन में तो भैया पार्टीशन की बात कर रहे थे, मतलब थोड़ी टूट फूट की बात हो रही थी इसमें, और सोली ऑफ वाइट्स दैट्स करेक्ट, हाँ इट इज सोली ऑफ वाइट, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सो कंसिस्ट ऑफ ऑल वाइट्स दैट्स करेक्ट, एंड मैंने आपको बोला था रिजेक्टेड द बिकॉज इट प्रपोज द डोमिनियन स्टेटस, क्या प्रपोज कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस प्रपोज कर रहे थे, अंडरस्टैंड। सो डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया जा रहा था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो इसीलिए इसको इस तरीके से किया जा रहा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियन नेशनलिस्ट वर बिटरली डिसअपॉइंटेड एट द क्लोजिंग स्टेजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द रीजन दैट Only few Indian princes participated in the Imperial Conference and Peace Conference. The closing of the World War brought to India not peace but the sword. Gandhi was prevented by the government from proceeding to Delhi in 1919.
द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, अब ये जो सवाल है मैं आपको बता रहा हूं, इस सवाल के लिए मैं टाइम भी आपको दूंगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना. ये सवाल है टफ कैटेगरी का सवाल. ठीक है, तो ये सवाल है टफ, तो इसीलिए यू विल बी गेटिंग 10 सेकेंड्स. दस सेकेंड है आपके लिए आंसर देने के लिए, सिर्फ 10 सेकेंड. अभी ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स कई बार ये कमेंट करते हैं कि ESIC का एग्ज़ाम कब होगा और दिसंबर में क्यों नहीं हो सकता और जनवरी फरवरी मार्च में क्यों ऐसे बोला जा रहा है. क्योंकि जर्नली हम लोग सिर्फ एक लॉजिक लगा सकते हैं या एक थॉट लगा सकते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए. पहली बात तो है कि दिसंबर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो UPSC करने के लिए बैठी हुई है, जनवरी फरवरी मार्च. बट जैसे ही यू विल बी गेटिंग अ वेरी शॉर्ट नोटिस कि हाँ एग्ज़ाम जो है विच वुड बी हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर डेट, तो आप प्रिपेयर रहिए. बस शॉर्ट नोटिस होगा क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है. आई थिंक 2-2.5 लाख कैंडिडेट बैठा है, नहीं 2-2.5 लाख नहीं है, उससे ही कम है, मेरे को अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा. बट ESIC का स्टूडेंट जो अप्लाई करने वाला है उसका कुछ RTI से रिप्लाई मिला था, तो आप बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक हज़ारों में स्टूडेंट्स से हुआ है अप्लाइड इट. तो यहाँ पे कंडक्ट करवाना UPSC के लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आंसर होना चाहिए. देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, द क्लोजिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर ब्रॉट. ओके, हाँ, सो द क्लोजिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर ब्रॉट टू इंडिया नॉट पीस बट द स्वॉर्ड. आपको इस स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी तो उसके बाद इंडिया में कुछ शांति वांति तो आई नहीं, बल्कि और ज्यादा ब्लडशेड होना शुरू हो गया, आपस में ही कम्युनिटीज आपस में लड़ना शुरू हो गई. ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये सही है. दूसरा स्टेटमेंट, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919. अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं ना. अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो एक्सपेक्टेशन यही थी ना कि क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि भी इसीलिए मिली थी क्योंकि गांधी ने ही सपोर्टेड अ लॉट फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जितने भी लोग हैं, यूथ है, युवा है, वो जाए और पार्टिसिपेट करे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर. ठीक है, क्योंकि अभी जो है ब्रिटिशर्स को दिक्कत में है, प्रॉब्लम है, राइट. हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे. तो ये सब चीज़ें चल रही थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देर वॉज ओनली स्वॉर्ड, नॉट द पीस इन इंडिया. रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड, ऑब्वियसली स्वॉर्ड किस एंगल का था, किस फॉर्म में था? स्वॉर्ड था इन द फॉर्म ऑफ रॉलेट एक्ट. स्वॉर्ड किस फॉर्म में था? इन द फॉर्म ऑफ रॉलेट एक्ट. ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, प्रिवेंटेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग, नहीं, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड ओनली फ्यू, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इट शुड बी 2 एंड 4. 2 एंड 4 जो है वो सही स्टेटमेंट है. 2 और 4 जो है स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो आप याद रखेंगे. उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. असर्शन कहता है, क्या कहता है असर्शन देखिएगा. अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल. ठीक है, वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. सो वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो आप बताइए ये क्वेश्चन कैसा है. ये भी टफ कैटेगरी का सवाल है. ठीक है, सो आप इसका आंसर दीजिएगा कि वेवल ने क्या सोचा रिगार्डिंग दिस.
सो अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान, नंबर ऑफ हिंदू मुस्लिम जो होंगे मेंबर इन दी दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो हिंदू मुस्लिम वुड बी इक्वल, इट वुड बी इक्वल, अंडरस्टैंड, इट वुड बी इक्वल. ओके, समझ आ गया, ठीक है, दिस इज राइट. बट इज दिस द रीजन? ये रीजन नहीं है. दूसरी बात क्या है, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग कि वेवल ने ये सोचा ये अरेंजमेंट जो है अवॉइड करेगा पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. आपकी सी जो है वो सही, एकदम सटीक बैठता है इस स्टेटमेंट के अंदर. जिसने भी स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है. 1943 का टाइम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि लिलित गो को रिप्लेस कर देते हैं और वेवल को हम लोग नया वॉइसराय बना देते हैं. अब जैसे ही वो वेवल वॉइसराय बने, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या किया, वेवल प्लान जो है इंडिया का जो प्रॉब्लम था, है ना, इंडिया का जो प्रॉब्लम था उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया जो कि एक्सेप्टेबल था बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के थ्रू. ठीक है, इट वाज ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल, बट बाद में रिजेक्ट कर दिया गया. दोनों पार्टीज ने इसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, सो याद रखिएगा. आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है. अकॉर्डिंग टू द पैक्ट द ब्रिटिश एक्सेप्टेड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. इरविन एग्रीड ऑन गिविंग द राइट टू अ पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स. British government allowed making of salt for personal consumption in the coastal regions. Which of the following statement are given are correct? Correct बताना है भैया, correct बताओगे, सही बताओगे तभी बात बनेगी. गांधी इरविन पैक्ट, आई थिंक ये लास्ट टाइम में भी हमने क्वेश्चन किया था और उसमें मैंने आपको बोला था कि आपने गांधी इरविन पैक्ट के जितने भी क्लॉजेज हैं उसको पढ़ लेना. थोड़ा थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नई जो एनसीईआरटी है, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आपने स्पेक्ट्रम में लिखा है. दोनों से पढ़ लेना, दोनों में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी. तो टफ है ये थोड़ा सा क्वेश्चन उनके लिए जिन्होंने गांधी इरविन पैक्ट का थोड़ा सा सरफेस ही पढ़ा है, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है उसमें. देखो सिंपल है, ऑल दी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, नहीं यार इतना तो हमें पता ही है कि BSR भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव ये भी थे, बट ये तो नहीं बेसिकली इनको रिलीज करने का तो नहीं था इसमें, है ना. इरविन एग्रीड ऑन गिविंग द राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेशन. यस यस यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पर्सनल कंजप्शन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने दे दिया था, राइट. चलो और देखते हैं इसमें. So, Gandhi Irwin Pact was political agreement between the Mahatma Gandhi and Viceroy Lord Irwin. बहुत ज़्यादा सामने सामने सेम प्लेटफॉर्म में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई थी. 1931 का टाइम चल रहा था और ठीक है. सो इसमें क्या है, सारे के सारे ऑर्डिनेंसेज और जो प्रोसिक्यूशंस हैं वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे. रिलीज सारे पोलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वॉयलेंस, गिल्टी ऑफ वॉयलेंस. ठीक है, पीसफुल पिकेटिंग कर सकते हैं लिकर फॉरेन क्लोथ्स की. रीस्टोर कन्फिस्केटेड, जिससे छीनी हुई प्रॉपर्टी है सत्याग्रही से उनको वापस दे दी जाएगी. फ्री कलेक्शन ऑफ और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पर्सन नियर सी कोस्ट एंड लिफ्ट द बैन ओवर द कांग्रेस. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो याद रखने हैं अपने. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वराज पार्टी के. स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ कांग्रेस. ओके, टू फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट पोलिटिकल पार्टी. इंडिपेंडेंट, स्वराजस बिलीव्ड इन पार्टिसिपेशन ऑफ काउंसिल इलेक्शंस. स्वराजस गॉट द मेजोरिटी इन नवंबर 1923 इलेक्शंस ड्यू टू विच दे वर एबल टू आउटवोट द गवर्नमेंट इन सेंट्रल असेंबली रिपीटेडली. कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है स्वराज पार्टी के ऊपर. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ, देखो मॉडरेट टू टफ, बीच में आता है ये क्वेश्चन का टफनेस लेवल, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसका जो की पॉइंट्स है वो सिंपल है.
कि स्वराज पार्टी जो थी वो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू फाइट इलेक्शन, एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? ये हमने पढ़ा था, तो आप बताएंगे क्या आपका आंसर होना चाहिए. सो आंसर इज बी. बी कैसे? स्वराजस बिलीव्ड इन पार्टिसिपेशन ऑफ काउंसिल इलेक्शंस, ठीक है, एंड बाकी इसमें गलत थी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है. एंड मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि 1907 का जो स्प्लिट था सूरत का, उसमें गांधी ने रियलाइज कराया उन लोगों को, कौन लोगों को, जो स्वराजस थे, स्वराजस थे और जो नॉन स्वराजस थे, ठीक है, दोनों को बात करवाई, उन दोनों को बोला कि आप क्या कीजिए, आप 1907 की हिस्ट्री देखिए, तो वहां स्प्लिट हो गया. स्प्लिट होने के बाद किसी का फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गए और उससे किसी का फायदा नहीं हुआ, ठीक है. और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को वहां से फिर और अच्छा हो गया, सप्रेस करने का तरीका उनको और अच्छे से पता लग गया. 1919 के काउंसिल एक्ट की बात कर रहे हैं. इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट, इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, जल्दी बताइएगा, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? नाउ दिस इज अ इजी क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काउंसिल एक्ट याद रखने में ही बहुत बहुत मुश्किल होती है ना, बहुत मुश्किल होती है. 10-12 क्लॉजेस हैं इसके हर एक एक्ट के, सो इट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है. सो मुझे ये भी बता देना एंड में कि आपका स्कोर कितना रहा. आपने 60% से ज्यादा अगर स्कोर किया होगा तो बहुत अच्छी चीज है, कम किया होगा तो कोई बात नहीं यार, कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हैं हम लोग तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है. सो यहां पे बायकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था. एग्जैक्टली, बायकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, ठीक है, ओके. देन इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीओसी यूनिवर्स, नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस हैपेंड इन 1909 में, 1909 में ये हुआ था. 1, 2 आर एब्सोल्यूट करेक्ट, ठीक है, 1909 में हुआ था, राइट. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी 1946. ये जो रेन म्यूटनी है ना, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, ट्रस्ट मी, इसके ऊपर यूपीएससी हमेशा अच्छे अच्छे सवाल पूछती है. और आप ईएसआईसी के अंदर एक्सपेक्ट करो, यहाँ पे सरफेस लेवल के सवाल नहीं होंगे, थोड़े से घुस के सवाल होंगे, याद रखना, मॉडरेट टू टफ लेवल सवाल होंगे, ठीक है. सो द रिवोल्ट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनपैटेबल फूड. लॉर्ड वेबल द कंकरेंट वॉइसराय ऑफ इंडिया कंडेम्ड द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन आर्मी टूवर्ड्स द रिवोल्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं? चलिए, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए ऑप्शन. लॉर्ड वेबल कंकरेंट वॉइसराय गेव अ क्लीन चिट टू इंडियन आर्मी फॉर इट्स रोल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ रिन, एज इट ऑन अ होल हैड बीन द मोस्ट कंडेमनेबल स्टडी, ठीक है. सो याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ए हमारा सिर्फ ए था जो करेक्ट था, अदरवाइज बाकी जो है वो गलत थे, ठीक है, ओके. सो फाइनली एक बार मैं और बता देता हूँ दैट वी हैव फ्री इंटरव्यू मॉक सेशंस फॉर EPFO एंड CAPF. जल्दी से रजिस्टर कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपना जो प्रिपरेशन है, जो टारगेट है, CAPF का हो चाहे EPFO का हो, उसको अकम्प्लिश कीजिए. बहुत आसान है इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना, बस एक सही गाइडेंस, सही चीज़ को आप फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली इट वुड टेक प्लेस फॉर श्योर, ठीक है. सो आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.